फिर एक दफा साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में जो विराट कोहली का दबदबा है जो विराट कोहली का ग्रेंजर है जो विराट कोहली की एक का एक, एक, एक खौफ है वो ऐसे ही नहीं है सातवीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक दफा फिर वो मोमेंट जिस मोमेंट पे बोला गया कि विराट कोहली खत्म हो गया विराट कोहली को रिटायर करवा दो ये बिग बै ये बीजीटी ट्रॉफी ये बॉर्डर गवास का ट्रॉफी आखिरी सीरीज होनी चाहिए हमारे पास बहुत कैपेबल यंगस्टर है हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है उसको अपने मुल्क में अपने मुल्क से बाहर हर कोई जज कर रहा था क्योंकि लोग भी अब डिप्रेस होना शुरू हो गए थे कहां रह गया हमारा विराट कोहली आज विराट कोहली शुक्र है कि उस वक्त आया जब नई बॉल थी विराट कोहली उस वक्त आया जब ऑकवर्ड बाउंस था विराट कोहली उस वक्त आया जब क्रैक्स खुले हुए थे विराट कोहली उस वक्त आया जब बॉल स्पिन कर रहा था कि कोई यह भी ना बोले कि तुमने फ्लैट विकेट पे आके सेंचुरी मार दी लेकिन जिस पॉइंट पे आके जिस मोमेंट पे आके आज विराट कोहली ने फिर एक दफा अपने आप को साबित किया सो so ये कहना गलत नहीं होगा द मैन ऑफ द आवर द मैन ऑफ द मोमेंट द मैन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज नन अदर देन किंग विराट कोहली व्हाट अ मोमेंट टू चेरिश व्हाट अ मोमेंट टू लुक बैक टू बिकॉज़ दिस इज व्हाट इट मेक्स हिम द मोस्ट स्पेशल क्रिकेटर दैट वी ऑलवेज सी इसलिए कहते हैं भाइयों किसी को इतना जल्दी राइट ऑफ ना करो एक बंदा जिसने 80 सेंचुरीज़ बनाई हुई है आप लोग एक मोमेंट 80 सेकंड नहीं लगाते उसको राइट ऑफ करने के लिए उसने उसी मोमेंट में आपको कर दिखाया आपको बता दिया कि भाई साहब हल्के भी नहीं लेना हाँ भाई साहब क्या कहने हैं क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं मैं तो ये सिर्फ शोर सुन रही हूं। जो शोर इतना बनता हाँ है तो शोर होना क्यों नहीं बनता इस मूवेंट पे भी शोर होना नहीं बनता तो किस मूवेंट पे शोर होना बनता है और बोलो मैं तो कहता हूँ विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले हर मैच में बोला करो ही क्योंकि जब तुम लोग काम करते हो वो अगले मोमेंट में तुम लोगों को बताता है भाई साहब इतने हल्के में मत लेना मुझे आई एम नॉट डन येट आई एम जस्ट स्टार्टिंग आई एम जस्ट गेटिंग एनी यंगर आई एम नॉट गेटिंग ओल्डर सो दिस इज राइट इन द फेस ऑफ द हेटर्स एंड विराट कोहली इज बैक सिर्फ एक, 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 एक ही मूवमेंट है और वो मूवमेंट एक बंदे को डिजर्व करता है जिसका नाम है विराट कोहली क्योंकि कोहली का सौ भी इस सीरीज से पहले आपको पता है काफी डिबेट चल रही थी कि पांच साल हो गए विराट कोहली के सिर्फ दो टेस्ट मिस हो आए हैं और हमने भी इस मौके पे कि जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था रन काफी अच्छे चल चुक, बन, बन चुके थे इंडिया के तो यही कहा कि भाईजान अब यहां पे विराट कोहली को हमने तो बोला चलो 50 60 रन भी करे क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी अगर 50 60 रन भी आए तो भी काबिले कबूल है बट द किंग कोहली बैक विद द सेंचुरी विद अनदर सेंचुरी जो कि दुनिया क्रिकेट में उसका नाम और मुकाम बना है सेंचुरी मेकर्स वन आफ्टर अनदर तो इक्यासवी अपने करियर की एटी फर्स्ट सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गया और उस मौके के इंतजार पे कि जो कि पता नहीं कितने क्रिकेट फैंस हैं दे वेट फॉर हिज फैंसरी तो पांच साल में अब ये तीसरी से सेंचुरी आई है लेकिन इससे शायद के शानदार मौका और नहीं है बड़ी सीरीज आई है ये। पांच मैच की बड़ी सीरीज है उसके पहले मैच में अगर ये सौ आ गया तो आगे भी ये काम ठीक हो गया और आगे भी काम यस हो गया और होपफुली आगे भी अच्छे रन करेगा और इंडिया ने भी रन का पहाड़ लगा दिया नितिश रेडी वो भी बड़ा अच्छा खेला बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला और ऑस्ट्रेलिया को जो फील्ड में रखा है इन्होंने इतने ज्यादा ओवर एक में ओवर की तीन गेंदे खेलने के बाद डिक्लेयर किया कोहली का सौ तब आ गया तो तब जाके डिक्लेयर किया नितिश रेड्डी वॉज लुकिंग गुड सताइस गेंदों पर अड़तीस एक गेंदों पर सौ किया है, दो छके आठ चौके तो जॉब वेल डन एवरी वन कंट्रीब्यूटेड खास करके ये लड़का तो बहुत ही इंप्रेसिव था नीतीश कुमार रेडी भी उसने पहली इनिंग में भी कमाल किया और इस वाली बारी में भी कमाल किया तो 533 सौ रन ऊपर डाले हैं पूरा एक पहाड़ पहाड़ माउंट एवरेस्ट का जो है एक बना के रन का वो सामने रख दिया है ओके नमस्कार भारती पावर में आपका स्वागत है दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा दिन खत्म हो गया है और जिस तरीके से आज इंडियन टीम ने पूरे सेशन में डोमिनेट किया है जिस तरीके से मारा है चाहे यशस्वी जायसवाल हो रेड्डी हो या विराट कोहली हो विराट कोहली ने आज एक, अपना एटी जो सेंचुरी है उसको कंप्लीट किया है और बताया है कि वो क्यों किंग कहे जाते हैं जब भी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सातवां सेंचुरी मारा और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले बैट्समैन हो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब जब भी ये कहा जाता था कि विराट कोहली का करियर खत्म हो गया विराट कोहली फिनिश्ड तब विराट कोहली उठ के आता है और सेंचुरी करता है और बताता है कि वो किंग क्यों है वर्थ के अंदर जब बहुत ज्यादा प्रेशर था उसके ऊपर तब आता है पहले इनिंग में भी वो अच्छे टच में दिख रहा था दूसरे इनिंग में उसने सेंचुरी किया और जबरदस्त था यशस्वी जायसवाल 161 एक यंग प्लेयर जो लंबी लंबी पारियां खेलता है जितने कमेंट्री कर रहे थे चाहे वसीम अकरम हो सुनील गावस्कर हो जितने भी एक्स प्लेयर हैं सब तारीफ कर रहे थे जिस तरीके से उसने अपना सेंचुरी पूरा किया था जिस शॉट से वो बहुत अमेजिंग था के राहुल ने जिस तरीके से सेवेंटी का स्कोर किया प्रेशर सिचुएशन था पहले इनिंग में जल्दी आउट हो गया था वन फिफ्टी पे और इंडिया ऑल आउट हो गई थी उसके बाद यशस्वी का साथ दिया और दो सौ से ऊपर का पार्टनरशिप किया और भारत को एक अच्छे पोजीशन में ले आया और उसी का नतीजा था कि जो पूरी इंडियन टीम है उसने पाँच सौ बाईस रनों का जो टारगेट रखा और दूसरे इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आई तो बारह रनों पर तीन विकेट गिर चुका है जो बुमराह है जो जादूगर

अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई एक भी एक फीसद भी सोच ना सकता पांच सौ से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट के ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जयसवाल ने उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं सुंदर ने छोटा खेला अच्छा खेले हैं पॉइंट इसके ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले चार वर्षों में सिर्फ दो सो हैं शायद कुछ भूल जाते हैं कि उनके साथ में नो फिफ्टीज भी हैं सेवेंटी प्लस उनके तीन चार हैं पॉइंटीज के सिर्फ उनका सो इसलिए माना जाता है कि भाई वो सो ही करता है वो कम करता नहीं है तो उसमें नो फिफ्टी कोई मान कोई गिन नहीं रहा था बट मैंने अभी उनका स्टैट देखा कि दो सौ जरूर थे उनके पिछले चार वर्षों में मगर साथ में उनकी नो फिफ्टीज भी हैं जो सब इग्नोर कर रहे हैं खैर विराट कोहली हैं जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का उसी वक्त वो सो कर जाता है उसी वक्त वो बड़ी इनिंग खेल जाता है उसका हमेशा यही कमाल रहा है अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसर स्टाक ने वैसे तो पहले भी कई बार सो खाए हुए हैं उसने अपनी एक इनिंग के अंदर मगर इस बह खास कमाल देखी है उसको फोर

सीधा सीधा मैच इंडिया की गोद में नजर आ रहे हैं बट ट्वेंटीज के ऑस्ट्रेलिया इस मैच को कितना इंटरेस्टिंग बना सकता है वो एक देखना है थ के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जो एक मैच नहीं हारा वो पहले ही मैच के अंदर यहां पर स्ट्रगल कर रहा है बॉर्डर गास्कर ट्रॉफी के अंदर और ये इसलिए खास है कि मुझे लगता है कि एक बुनियाद अच्छी रखी इंडिया ने 201 के ऊपर पहला विकेट गिरा था दो सौ के ऊपर और क्या बारी खेली है जयसवाल ने के राहुल को शायद बहुत ज्यादा डमायर लोग ना करें मगर अंडर प्रेशर उस बंदे ने कमाल इनिंग खेली है और जिसे बोलते हैं ना एक मुनजम इनिंग उस बंदे ने खेली है कच्चे सो को कन्वर्ट नहीं कर पाया मगर के राहुल ने भी अच्छी साथ अच्छा दिया मतलब एक एक्सपीरियंस और साथ में यंग एक अच्छी ओपन ओपनिंग पार्टनरशिप लगी और अगेन ये एक मेक शिफ्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी ये कहीं से भी वो था नहीं के थाल राहुल ओपन करेंगे और साथ में मतलब कोई एक जिसे बोलते न, एक बोलते हैं ना डिजाइन या बनाई हुई ओपनिंग पार्टनर नहीं थी ये जोड़ी मगर अच्छा खेला है उसके बाद नीचे से आके विराट कोहली ने अच्छा खेला नतीश रैडी जबरदस्त खेले हैं नतीश रैडी का स्ट्राइक रेट देखें जबरदस्त करके खेले और ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में मतलब पहला अपना मैच खेल रहा है और कमाल किस्म की उसने अपनी पहली इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की थी और अब दूसरी इनिंग में भी शॉर्ट बैटिंग बट अच्छी बैटिंग